Nope. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं एक नया मैच व्लॉग लेके आया हूँ। एक्चुअली मुझे मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि भैया मैच व्लॉग बनाओ, मैच व्लॉग बनाओ, तो मैं एक मैच व्लॉग लेके आया हूँ। इसमें आज मेरा एक मैच मैंने रखा हुआ है, एलटीपी का मैच। एलटीपी मतलब लूजर टू पे, जो हारेगा वो पैसे देगा। अब हारेगा तो क्यों पैसे देगा, क्या पैसे देगा? हारूंगा तो अंपायर की भी फीस दूंगा, बॉल की भी फीस दूंगा और ग्राउंड की भी फीस दूंगा। एलटीपी में मतलब अगर हम हारे तो हम बिल्कुल सारी चीजों के पैसे देंगे, ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी जिसके हम पैसे नहीं देते। तो आज एक एलटीपी का मैच है और एलटीपी के मैच में दोस्तों जिससे हमारा मैच है वो भी बहुत अच्छी टीम ला रहा है और हमारी भी टीम सही है। मतलब एलटीपी एक्चुअली क्या है, हारने पे सबको लगता है कि पैसे जाएंगे पैसे जाएंगे, तो सब अच्छी टीम बना के लाते हैं। तो आज एक एलटीपी के मैच की व्लॉगिंग होने वाली है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। दिन में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे वो सब भी बताऊंगा वीडियो के अंदर, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। ग्राउंड पे आ चुके हैं और टॉस की तैयारी हो रही है। कपड़े कुपड़े चेंज कर रहा हूँ, चेंज करके फिर टॉस करने जाऊंगा। टॉस देखते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है, बाकी टॉस के टाइम मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों ये आज का विकेट, बाकी ये है कि एक बार चेक करो, थोड़ी सी नमी है विकेट में वैसे तो, बाकी बैटिंग बॉलिंग कुछ भी आए कोई मैटर नहीं करता, ज़्यादा परफॉर्मेंस मैटर करती है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा विकेट गीला है। एक बार देखते हैं टॉस पे क्या रहता है, कितना स्कोर बनता है। अच्छा अमनदीप, विकेट देखा है तूने? अमन एक चीज बता मुझे, ये विकेट देख के क्या लग रहा है, कितना स्कोर बनना चाहिए इस पे? 40 स्कोर बनना चाहिए, 170। मेरा दोस्तों मेरा वो है आइडिया है कि इस पे 250 रन बनेंगे, 250 के करीब बनेंगे। पहली इनिंग में 250 बनाने हैं जो भी बैटिंग करे। 180 तो चलो विकेट कोई खराब खेल गया तो ठीक है, वरना 250 रन बनेंगे इस विकेट पे। चलो अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। हम बॉलिंग कर रहे हैं दोस्तों, टॉस जीत गया तुम्हारा भाई। कोई भी कैच आए या कुछ आए तो भाई एफर्ट देना बस, ठीक है? छूट जाए वो बात की बात है, ठीक है ना? कभी दूर कैच आ रही हो जोशी, ठीक है? एफर्ट देना है। ओ भाई डिल्लन, ऐसे मत कर लियो पैर, सही से करियो, ठीक है? वो कीपर सिस्टम पे भाई बॉल गिरेगी, वाइड पड़ सकती है बॉल, ठीक है? तो उसके लिए प्रिपेयर रहियो। बाकी ये है कि भाई बस एफर्ट दो और क्या, और अपनी बॉलिंग डालो बढ़िया से। 3-2-1 अच्छे एटीट्यूड से खेलना यार, फील्डिंग में
स्टार्ट हो गया तो दोस्तों 24 ओवर हो चुके हैं ओपोनेंट के 24 ओवर में 97 रन्स हैं, 7 आउट हो गए हैं। बाकी थोड़ा शुरुआत में विकेट गीला था तो हल्का ग्रिप वगैरह कर रहा था, बाकी दो तीन बैट्समैन तो अपनी पेशेंस खो के आउट हुए। मतलब ये है कि मेरा माइंडसेट ये कहता है कि हाँ इस विकेट के ऊपर आके थोड़ा सा अच्छा खेल सकते थे और बेटर कर सकते थे। बाकी ये है कि अभी देखते हैं, क्रिकेट में कुछ भी कभी भी हो जाता है, वैसे तो कुछ पता नहीं होता, निष्ठाओं का खेल है। तो अभी देखते हैं कितना स्कोर बनता है, कैसा रहता है। ठीक है, 97 पे 7 आउट हो गए हैं, बाकी अब लेट्स सी। अरे यार ढिल्ला ले यार। बॉल लगी थी ना, याद है? लगी कैसे थी उस दिन तेरे? कहाँ लगी थी? बॉक्स पे। अच्छा, इसी के नो तू आते है। तो दोस्तों फर्स्ट इनिंग खत्म हो चुकी है और हमारे बॉलर ने अच्छी बॉल डाली है, बाकी विकेट भी थोड़ा सा ग्रिप कर रहा था, बट ठीक है, मतलब ज़्यादा रन नहीं बने। 173 पे ऑल आउट हो गई दूसरी टीम। बाकी ये है कि हमारी टीम से राज ने 4 ओवर डाले, 24 रन दिए, 1 विकेट ली। अमनदीप ने 2 ओवर डाले, 2 रन दिए। बाकी दिवाकर ने 2 ओवर डाले, 9 रन दिए, 1 विकेट इसको भी मिली। हिमांशु ने 8 ओवर डाले, 40 रन दिए, 1 विकेट इसको मिली। और मैंने भी 7.5 ओवर डाले थे, 7.3, और मेरे को 3 विकेट मिली। बाकी प्रणय प्रसाद ने 5 ओवर डाले, उसको भी 1 विकेट मिली। बाकी तो दीपेश नैनवाल ने भी 8 ओवर डाले, 27 रन देके 2 विकेट दी मिली। और सचिन ढिल्लन ने 2 ओवर में 13 रन दिए। बाकी अजीत रावत ने भी 1 ओवर में 8 रन दिए। तो इस तरह से इनकी हमारे बॉलिंग की परफॉर्मेंस रही। बाकी अब बैटिंग स्टार्ट हो रही है, तो बैटिंग में पैड वगैरह करके अंदर जा रही है, तो आप वीडियो में बने रहना, आपको दिखाते हैं मैच में क्या होता है, कैसे होता है। कुछ इंटरेस्टिंग होता ही है क्रिकेट के अंदर, और मैच फाइटिंग ही होने वाला है, तो क्योंकि विकेट भी थोड़ा सा टफ है। बाकी देखते हैं, लेट्स सी। ये दोस्तों ये खिड़की क्यों है यहाँ पे? मतलब ये भी मतलब अलग अलग तरीके लोग अपने हिसाब से घर बना लेते हैं, कुछ भी जुगाड़। दोस्तों बैटिंग करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, कितने रन बनते हैं। जाती मारूंगा मैं भी। अरे यार एक रोटी बची है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मारते रहो जरा इसको, शाबाश, बहुत बढ़िया। बोलते रहो यारो, बोलते रहो, शाबाश शाबाश रवि।
देखे इसको एक बढ़िया बढ़िया पीछे हो गया अपने आप टप्पा पीछे हो गए आवाजें ही बंद हो गई शबाश अरे बहुत तगड़े भाई एक और छू चल भाई चल 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 रहने 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 नेवर रन और मिस फील्ड बहुत अच्छे यार भाई तो दोस्तों 11 ओवर हो गए हैं और 53 रन हैं बाकी हमारे 3 मेन बैट्समैन आउट हो चुके हैं एक को तो बेचारे को गलत आउट दे दिया वो रोते हुए बेचारा घर चला गया है लेकिन ये है कि अभी 3 आउट हो गए हैं अपने एक सौरभ आउट हो गया एक मैं आउट हो गया और एक अजीत आउट हो गया बाकी अभी 3-4 बैट्समैन और हैं जो अच्छे बैटिंग करते हैं बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता बाकी 2 बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं एक रवि बैटिंग कर रहा है और दीपेश बैटिंग कर रहा है तो 52 रन हो गए हैं 11 ओवर हैं बाकी लग के खेलेंगे पार्टनरशिप डेवलप होगी तो मैच जीत भी सकते हैं तो देखो क्या होता है गाइस देखो अब आउट होना ना होना वो अलग बात है लेकिन अब जब बैट्समैन आउट हो जाता है बैटिंग में तो देखो बेचारा मतलब सौरभ की हालत देखो आप कैसी हो रही है हालत सौरभ एक बार दिखाओ कैसा लग रहा है अब आपको बहुत बुरा लग रहा है बट कोई बात नहीं हम अभी जीतेंगे मैच अभी जीतेंगे भाई हौसले बुलंद हैं अपने अब देखो क्या होता है तो दोस्तों 15 ओवर हुए हैं और 15 ओवर में हमारे 75 रन हो गए हैं बाकी 3 ही विकेट गिरी हैं बाकी दीपेश है और रवि है दोनों सही बैटिंग कर रहे हैं बाकी अगर पार्टनरशिप यहां से 30-40 रन 50 रन की और पार्टनरशिप लग गई तो मैच में आ जाएंगे हम बाकी अभी भी ठीक चल रहा है स्कोर तो देखो क्या होता है मैच किस पासे पलटता है बाकी मैच को पूरा देखना अरे शॉट है यार बढ़िया रवि शाबाश यार बेहतरीन बेहतरीन शाबाश रवि शाबाश 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 बजा दो ये बैट तो दोस्तों 4th विकेट गिर गई है अनफॉर्चुनेटली और रवि आउट हुआ है बाकी रवि ने अच्छी बैटिंग करी आज 54 रन बनाए हैं और 53 बॉल्स खेली हैं तो रवि कैसा खेल रहा है विकेट क्या क्या हुआ है 3 विकेट भी गिर गई मैं भी आउट हो गया सारे 2-3 विकेट जल्दी गिर गई उसके बाद क्या माइंड सेट रहा कैसे रहा माइंड सेट कुछ नहीं था बस मेरे को हैवी नहीं होने देना उन्हें अपने ऊपर अगर मैं वहाँ पे थोड़ा लगता कि 3 विकेट गिर गई हैं तो मैं वहाँ डेड खेलता तो शायद मैं भी आउट हो सकता था मैंने उनको अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया मेरे को मिली मैं मारता गया ठीक है तो अब बाकी देखते हैं लेट्स सी मैच कहाँ जाता है चलो वेल प्लेड रवि हाँ ठीक है लड़के एक्सपोज बेहतरीन यार शाबाश 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 भाइयों दो है शाबाश शाबाश तीसरा भी हो सकता है देख लो तूने छोड़ दी शाबाश यार शाबाश 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 दीपेश 17-16 में तो दोस्तों 6th विकेट गिर गया है और दीपेश अभी आउट होके आया है बाकी इसने 50 करी मतलब मेरे हिसाब से फाइटिंग इनिंग्स के लिए हमारी टीम के लिए बाकी यहाँ से अगर हम मैच जीतते हैं तो इसका श्रेय दीपेश को भी जाएगा और इसके साथ पहले जो रवि ने बैटिंग करी उसको भी जाएगा बाकी अभी हम बीच में दुविधा में ही हैं बाकी एक बार दीपेश से जान लेते कैसा विकेट खेल रहा है और इसने जब इनिंग्स पे जा रहा था तब क्या सोचा और अब कहाँ पे कैसे मैच चलना चाहिए तो दीपेश आप बताओ
पहले तो ये कहूँगा कि पहले मैच फिनिश करना चाहिए था, तो अभी मेरे लिए तो कुछ वैल्यू है नहीं 50 रन की अगर मैच फिनिश करता तो। बट विकेट की बात करेंगे तो विकेट बहुत बेटर हो गया है, कोई एक आधा बॉल पीछे का रुक रहा है, और इनिंग्स का एज सच कुछ नहीं था। जब 6 रन पे 3 आउट था, आई गेस 3 या 4, तो 3-4 आउट थे, तो उसमें टारगेट ये था कि पहले थोड़ी देर स्टे करना है, थोड़ी देर चीज़ें रिलैक्स कर देनी है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। मेरा भी पहली बॉल जाके शायद एज लगा और पीछे कैच छूटा स्लिप में, तो उसके बाद फिर ये था कि सिचुएशन को रिलैक्स करना है कैसे भी, और खुद भी थोड़ा सा सेटल इन होना है। फिर जब एक बार सेटल इन हो गया तो थोड़ा सा प्लान किया कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को बॉल नहीं फेंकने दूंगा, क्योंकि अगर वैसे ही मैच में हम लोग 3 आउट हैं, 10-12 रन हैं और हम नीचे लगते जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं कहा लेफ्ट आर्म को मारूंगा, लेफ्ट आर्म को मारते हुए क्या हुआ कि फिर ऑफ स्पिनर भी अपने आप थोड़ा सा बॉल वैसे फेंकने लगी थी, मेरे को सिंगल देखे, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो गया। तो ठीक है, तो दोस्तों ये थे दिपेश नैनवाल, इनकी इनिंग्स 50 रन की रही है, बाकी अच्छी इनिंग्स खेली है। बाकी अब मैं मैच के एंड में मिलता हूँ, आप देखते रहना वीडियो को आखिरी तक। दोस्तों मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था, 8 विकेट गिर गए थे हमारे। अब दो भाई लगे हुए हैं, दिवाकर और गोल्डिंग, दोनों ने भाई साहब मैच बना दिया है। और यहाँ पे सबके चेहरा बेचारों का डाउन था, सारे लड़के परेशान थे, माइंडसेट पे बातें चल रही हैं, अपने पे डाउट्स कर रहे हैं लोग। तो दोस्तों ऐसा है कि क्रिकेट आए तो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन ये देखो रन बना दिया, नहीं हुआ, रन नहीं हुआ, लेकिन मैच बहुत फंसा हुआ है। कितने रन चाहिए रवि हमें? 4 रन। 4 रन चाहिए दोस्तों, कुछ भी हो सकता है मैच में, 2 विकेट। तो वीडियो के एंड में, तो दोस्तों मैच फंस गया था और बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ है आज। मतलब ये लगा लो कि 8 विकेट आउट हो चुके हैं हमारे। अब दिवाकर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेल दी एंड में, बाकी उससे पहले दिपेश और रवि ने बैटिंग करी थी, बाकी आउट होते गए हैं कई लड़के। अमनदीप भी अच्छी बैटिंग कर रहा था लेकिन खेलते खेलते आउट हो गया। तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ है, और मैच अभी भी देखो दूसरी साइड के पास जा सकता है, लेकिन अब 4 रन चाहिए और 2 विकेट बची हुई हैं, 8 विकेट हमारे गिर चुके हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, 4 ओवर बचे हैं और 4 रन चाहिए, तो मैच तो हमें जीतना चाहिए यहाँ से, लेकिन ये कुछ बकचोदी ना कर दे दोस्तों, मेरी इसलिए फट रही है। तो मिलता हूँ वीडियो के एंड में। दोस्तों यहाँ पे मैच ड्रॉ हो गया है, 1 रन चाहिए, खेलो खेलो गोल्डी भाई, 1 रन चाहिए आराम से भाई, सिंगल डालना। तो दोस्तों मैच में 1 रन चाहिए, लास्ट बॉल है, आप देख लो क्या होता है। वाइड वाइड हो गए दोस्तों, मैच जीत गए। आ जाओ ओपी, थैंक यू। दो बॉल होंगी, बॉल बड़ा दिवाकर, एक और होगी, मानने वाला नहीं, बॉल अगले मैच में काम आएगी हमारे, बहुत अच्छी बैटिंग। तो दोस्तों मैच हम जीत चुके हैं, और मैं एक बार स्कोर कार्ड बता दूं, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा बताते हो, लेकिन फिर भी बता देता हूं, मैंने तो बनाया 0 ठीक है। उसके बाद भाई रवि ने अच्छी बैटिंग करी, वेलप्लेड रवि, 54 रन बनाए 51 बॉल्स पे। फिर अजीत रावत भी बेचारा 0 पे आउट हो गया, जो कि बड़ा दुखी भी था। फिर उसके बाद एक और दुखी आउट हुआ, सौरभ चौहान भी, वो बैठा बेचारा पीछे, वो दुखी में लेटा हुआ है ठीक है। और उसके बाद दिपेश नैनवाल ने अच्छी बैटिंग करी यार, क्लैपिंग कर दो इसके लिए भाई, अच्छा करा यार, 51 रन बनाए हैं यार 55 बॉल्स पे। बाकी हार्दिक फिर बेचारा उदास होकर 0 पे आउट हो गया, वो तो घर भी भाग गया। बाकी ये है कि हिमांशु भी ठीक बैटिंग कर रहा था, लेकिन ये भी 13 रन पे आउट हो गया। बाकी अमनदीप जायसवाल ने 8 रन बनाए, इसने बॉल्स ले ली 22, लेकिन फिर भी आउट हो गया दोस्तों। अब मैं क्या कर सकता हूँ आप बताओ। अब ये है कि इसके बाद देखो मैच विनिंग नॉक जो खेला है ना, वो दिवाकर ने खेला है, तो दिवाकर के 35 रन के लिए ना बहुत बढ़िया बैटिंग करी यार, उसके लिए ताली बजा दो एक बार, क्योंकि यहीं से हम मैच जीते हैं, क्योंकि मैच तो फंस चुका था ऑलमोस्ट, लेकिन दिवाकर ने वहाँ पे संकट मोचन बन के मैच निकाल दिया। और इसके साथ गोल्डी ने थोड़े 10-12 रन का योगदान दिया, अच्छी बैटिंग करी, इसने भी एक अच्छा शॉट खेला। तो दोस्तों ये था आज का मैच, हमारा पूरा व्लॉग ये मैंने पूरे देख लो मंडली से जाली है आप लोगों के लिए सिर्फ। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।